हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। दिल्ली में फिर पाबंदियों का दौर लौटा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। जी हां, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर सरकार 500 रुपए का जुर्माना वसूलेगी। मास्क पहनने को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से अब आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। DDMA की बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माने का आदेश जारी किया है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर अब 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने ये आदेश हाल ही में 20 अप्रैल को हुई DDMA की बैठक में विशेषज्ञों के साथ राय मशवरा करने के बाद जारी किया है। हालांकि निजी कार में यात्रा करने पर मास्क नहीं लगाने पर चालान नहीं काटा जाएगा। बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन के 8 मामले अभी आए हैं, जिनमें से एक वेरिएंट दिल्ली में भी सामने आया है। अगले साल से सिर्फ एक बार होंगी CBSE की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। जल्द ही शुरू हो रहा है एग्जाम का दूसरा सेशन। जी हां, CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं अगले साल से पहले की तरह ही सिर्फ एक बार होंगी। इस फैसले के बाद बोर्ड परीक्षाएं दो अलग अलग सेशन में आयोजित नहीं की जाएंगी। हालांकि यह व्यवस्था एकेडमिक सेशन साल 2022-23 से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही CBSE ने 9वीं से 12वीं तक के लिए नया सिलेबस भी घोषित कर दिया है। इससे पहले कोरोना के मद्देनजर CBSE ने बोर्ड परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित करने का निर्णय लिया था। बोर्ड परीक्षा का पहला सत्र साल 2021 के नवंबर और दिसंबर में पूरा किया जा चुका है। बोर्ड एग्जाम का दूसरा सेशन 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इन परीक्षाओं के बाद बोर्ड एग्जाम को दो अलग अलग सेशन में लेने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। इसके बदले बोर्ड परीक्षा का पहले की तरह ही सिर्फ एक सेशन आयोजित होगा। तो वही CBSE बोर्ड ने क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए नया सिलेबस भी घोषित कर दिया है। नए सिलेबस में CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सिलेबस को दो भागों में विभाजित नहीं किया है। इससे पहले जब बोर्ड परीक्षाओं को दो सत्रों में बांटा गया था तो सिलेबस को भी दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन अब सिलेबस को फिर से पहले जैसा कर दिया गया है। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन का रास्ता साफ। DCGI ने की इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश। जी हां, देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की विशेष विशेषज्ञ समिति ने कोर्बेवैक्स वैक्सीन को लेकर इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है। ये सिफारिश 5 से 11 साल के बच्चों के लिए है। अब SEC की सिफारिशों के बाद DCGI प्रतिबंधित इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देगी। बता दें कि हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल की ओर से विकसित कोर्बेवैक्स वैक्सीन COVID-19 के खिलाफ देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। CDSCA की COVID-19 पर विशेषज्ञ समिति ने हालांकि 2 से 11 साल के बच्चों के बीच कोवैक्सीन के इस्तेमाल के लिए देश बायोटेक से इमरजेंसी इस्तेमाल अथॉरिटी यानी EUA आवेदन की समीक्षा के लिए अधिक आंकड़ा मांगा है। इस तारीख को खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त, पता चल गया तारीख। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार अब पूरा होने वाला है। योजना के 12 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। 11वीं किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच जारी होनी है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी किस्त मई में ही आने की उम्मीद है। ऐसे में उम्मीद है कि 11वीं किस्त बहुत जल्द ही आपके खाते में आ जाएगी। बता दें कि राज्य सरकारों ने पात्र किसानों का रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर यानी RFT साइन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उम्मीद की जा रही है कि अक्षय तृतीया यानी 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी खुद किस्त जारी करेंगे। अब उम्मीद इसलिए है क्योंकि पिछले साल भी 15 मई को किस्त जारी हुई थी। आपकी किस्त पर फिलहाल क्या अपडेट है, इसके लिए आपको अपना पीएम किसान अकाउंट चेक करना होगा। यदि आपको अपने पीएम किसान खाते में RFT साइंड बाय स्टेट फॉर 11th इंस्टॉलमेंट दिखे तो समझ जाइए कि 11वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में क्रेडिट होने वाली है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों में बनाने होंगे क्वारंटीन रूम। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब स्कूलों जाने वाले बच्चों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसको देखते हुए सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अब सभी स्कूलों में क्वारंटीन रूम बनाने होंगे तथा शिक्षकों को प्रतिदिन बच्चों और परिजनों से कोरोना संबंधित लक्षणों की जानकारी लेनी होगी। बता दें कि दिल्ली के शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए सभी स्कूलों को गाइडलाइंस में किसी भी छात्र या शिक्षक या अभिभावकों को उचित थर्मल स्क्रीनिंग के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश करने नहीं दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शिक्षकों को प्रतिदिन उपस्थिति के दौरान बच्चों और उनके परिजनों से कोरोना संबंधित लक्षणों की जानकारी लेनी होगी तथा सभी स्कूलों में लक्षण वाले बच्चों को अलग करने के लिए क्वारंटीन रूम बनाने होंगे। शिक्षण सामग्री और भोजन के साझा करने पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में अब योगी सरकार। बिजली दरों में हो सकती है कमी। जी हां, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद बिजली दरों में कमी कराने के लिए सक्रिय हो गया है। सूत्रों का कहना है कि इस बार बिजली की दरों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि माना जा रहा है कि बिजली की दरों में थोड़ा बहुत इजाफा तो होगा, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि उन्हें घाटा हो रहा है। फिलहाल अभी तक कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में बिजली की दरों को बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं किया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों के रवैये से साफ हो गया है कि वे उपभोक्ता परिषद की बिजली दरों में कमी की याचिका पर कोई जवाब नहीं देगी। वर्मा ने राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात करके उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा कि अब आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के निकल रहे 20,596 करोड़ रुपए के एवज में दरों में कमी करे। वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार को भी आगे आकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत नियामक आयोग को बिजली दरों में कमी का निर्देश देना चाहिए। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन बोले, गुजरात में जिस तरह से मेरा भव्य स्वागत हुआ, ऐसा लगा कि मैं सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन हूँ। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने खास दोस्त के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे आगमन पर गुजरात में जिस तरह से मेरा भव्य स्वागत हुआ है, उससे मैं खुद को सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा महसूस कर रहा था। ब्रिटेन पीएम ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के पत्रकारों को अपनी भारत यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अहमदाबाद में रास्ते पर मेरे पोस्टर चारों तरफ लगे हुए थे, जिसे देखकर मैं अभिभूत था। बता दें कि जॉनसन का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वागत किया। उनकी अगवानी के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी मौजूद थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर और सड़क के किनारे पारंपरिक गुजराती नृत्य से स्वागत किया गया था। दिल्ली में 18 से 59 आयु वर्ग को मुफ्त में लगेगी प्रिकॉशन डोज। सरकार ने किया इसका ऐलान। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी तीसरी खुराक देने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पूरी दिल्ली के सभी सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर प्रिकॉशन डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। 60 साल से अधिक आयु वर्ग, फ्रंटलाइन कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को पहले से ही मुफ्त में प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक मुफ्त में प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए दिल्ली सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म में जरूरी बदलाव करने की बात कही है। जिन लोगों को दूसरी खुराक लगे 9 महीने हो गए हैं, उन्हें प्रिकॉशन डोज दी जाएगी और इसके लिए उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि निजी वैक्सीनेशन केंद्रों पर प्रिकॉशन डोज के लिए 225 रुपए की लागत तय की गई है। इसके अलावा अस्पताल 150 रुपए तक सर्विस चार्ज वसूल सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी की बसों में लगेंगे पैनिक बटन। सीएम योगी ने दिए कई अन्य अहम निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने परिवहन निगम की बसों द्वारा पार्सल या कुरियर सेवा शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 26,000 से अधिक गांवों को परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ा गया है। अब प्रयास किया जाए कि हर गांव
जहां बस सेवा संभव है को इस परिवहन सुविधा का लाभ दिलाया जा सके। सीएम योगी ने 2000 नई अनुबंधित बसों को निगम के बेड़े में शामिल करने और 5000 नई बसों को बेड़े में शामिल करने की कार्यवाही तेजी से अमल में लाने के निर्देश भी दिए हैं। इंस्टाग्राम रील्स में टिकटॉक वीडियो नहीं डाल सकेंगे यूजर्स, प्लेटफॉर्म पर जल्द ही लगने जा रहा है रोक। जी हां, अगर आप भी अपनी इंस्टाग्राम रील्स पर टिकटॉक के वीडियो पोस्ट करते हैं तो अब आप यह नहीं कर पाएंगे। इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनल कंटेंट को प्राथमिकता देने के लिए योजना की घोषणा की है। कंपनी ने सोशल मीडिया चैनलों पर एक वीडियो में मोसेरी ने कहा कि प्लेटफॉर्म का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इसका क्रेडिट उन लोगों को जाए जो इसके लायक हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंस्टाग्राम यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहा है कि यूजर्स और क्रिएटर एक ही कंटेंट को हर जगह शेयर न करें। ऐसे में वह रील के रूप में इंस्टाग्राम पर टिकटॉक के लिए लिए गए शॉर्ट वीडियो कंटेंट का जिक्र कर रहे हैं। बता दें कि टिकटॉक, जो कि 2020 की शुरुआत से भारत में बैन है, अभी भी यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे प्रमुख बाजारों में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली टूल देता है। इसलिए यूजर्स इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर बने हुए वीडियो को ही दोबारा अपलोड कर देते हैं। LPG रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त, मिलेगी सस्ती चीनी, ये लोग उठा पाएंगे इस योजना का लाभ। जी हां, उत्तराखंड सरकार 1.84 लाख परिवारों को हर साल रसोई गैस के 3 सिलेंडर फ्री देगी। राज्य सरकार अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को यह फायदा देगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य सचिव को इसके लिए कैबिनेट के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर देने का वादा किया था। इसके अलावा राज्य सरकार सस्ती चीनी देने के वादे को भी पूरा करने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि वह हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ी है। वह अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष कदम उठाने वाली है। इसमें ऐसे परिवारों को 3 सिलेंडर और फ्री चीनी आदि शामिल है। सरकार पहला कदम अंत्योदय श्रेणी के परिवारों के लिए लेगी। खाद्य मंत्री ने कहा कि हर कार्ड पर लोगों को रियायती दरों पर खाने वाला तेल मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को गेहूं, चावल, चीनी रियायती दरों पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की तर्ज पर हर महीने एक तय क्वांटिटी में सरसों अथवा कोई और खाद्य तेल मुहैया कराई जाएगी। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, ओडिशा के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज का सुविचार, मशहूर अमेरिकी टीवी होस्ट ओपरा विनफ्रे ने कहा है, अब तक की सबसे बड़ी खोज ये है कि व्यक्ति मात्र अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपना आने वाला कल बदल सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।